रशीद अली साहब फौजी, आप देख रहे हैं डेली न्यूज चैनल। नई खोज खबर के साथ डेली न्यूज चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं खड़ा हूं नगर पालिका पोखराया 4 लेन पर। यहां से हमारे पूर्व सांसद प्यारेलाल शंकर जी गुजर रहे थे, हमने सोचा चलो इनसे भी कुछ बात कर ले। इनका गाड़ी मैंने रोका और उनसे बातचीत करते हैं कि 2022 में क्या होने वाला है, कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला है। ऐसा हुआ तो सुबह जी, आप ये बताइए कि 2022 में कौन कुर्सी पर बैठ रहा है। हम क्या सभी लोगों का ये जी, इधर को देखो, देखा है कि माननीय योगी जी जी उनकी पुनरावृत्ति होगी जी 2022। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है जी? पूरा 2022 में कौन कुर्सी पर बैठ रहा है? भाई साहब आप अपना शुभ नाम बताएं। जी सर, हमें आप ये बताएं कि 2022 में आपकी पार्टी का क्या है मैनिफेस्टो? मैनिफेस्टो की गरीबों की लड़ाई लड़ रही जी मायावती जी, और बहुत ही ग्राम समाज जोड़ने काम मानी जी, और यहाँ तक लड़ाई चल रही ग्राम समाज के बसपा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं जी। हमें ऐसी उम्मीद है कि जब गरीब समाज में ग्राम समाज से आप सर, हमने जो लोगों से बात की है तो लोगों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी बिल्कुल साइलेंट हैं, इस पर आपका क्या विचार? साइलेंट क्यों, अब तो सदी के साथ पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम किया और जगह जगह सम्मेलन किए। इसके बाद उन्होंने दलित कोई भी जो सीट है स्वच्छ सीट है वहाँ भी उन्होंने आयोजन करके सबको एक करने का काम किया। सर, अगर आपकी सरकार बनती है तो आप जनता के विकास के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, जरा मोटे मोटे काम? जहाँ तक उत्तर प्रदेश सवाल, पहले भी बहन जी सरकार को लोग देख चुके हैं, आज उनको याद करते हैं कि बहन जी शासन में जिस प्रकार उन्होंने शासन चलाया था आज तक कोई चला नहीं हुआ। इसलिए जनता चाहती है कि चुनाव में शासन करते और जिस प्रकार से उन्होंने पहले काम किया जिस प्रकार करके जनता चुनाव। सर, भोगनीपुर विधानसभा से कौन संभावित प्रत्याशी हो सकता है आपके विचारों से? बसपा के कई प्रत्याशी हैं, जिससे भी उसकी कमजोर। तो अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ भोगनी को? अभी नहीं। शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए। जय हिंद। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, योगी सरकार से तंग आ गए, मजबूरी हो गई, सिलेंडर का हिसाब हो गया, डीजल पेट्रोल का हिसाब हो गया, बाबू इस्लाम आ गए। बीजेपी के अलावा कोई नहीं आएगी, बहुत बढ़िया काम। अच्छा, अखिलेश सरकार, अखिलेश सरकार क्या लेके आ रही है जनता के लिए? बहुत कुछ लेके आ रही। क्या लेके आ रही? बहुत कुछ, इनसे अच्छा बाबा जी से अच्छा। बाबा जी से अच्छा बताइए, कोई तो किसी को तो वोट दोगे? क्या रहे अखिलेश जी, जो भी कहा वो पूरा काम किया है। क्या क्या काम किया? अरे लैपटॉप दिए बच्चों को, जो भी शिक्षा थी वो भी कह रहे हैं करेंगे, ऑर्डर भी दिया है। अच्छा, दिया। ओके, थैंक यू। और फाइनल हो गया है? ओके, कंफर्म हो गया। क्यों, क्या लेके आ रहे हैं? किसकी सरकार बन गई 2022? अखिलेश सरकार। ओके, धन्यवाद। किसकी सरकार बन गई 2022 में? कौन सरकार बना रहा है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? फिर भी आपका आइडिया मोटा क्या है? अरे हमारा आइडिया है बीजेपी जी। बीजेपी तो कौन बना रहा है मुख्यमंत्री भाई बताओ? ड्राइवर साहब योगी जी है। योगी जी, और कौन बना रहा है? योगी जी नहीं है। अरे मुंह से बता, बाईस में कौन सरकार बना रहा है? मोदी। अरे बोलो ना, बोलो। वो मोदी नहीं, अभी योगी का चुनाव है, यानी कि मुख्यमंत्री का, अभी प्रधानमंत्री का नहीं है। तो योगी बाबा। योगी बाबा कौन बना रहा है भाई सरकार? अखिलेश कौन बना रहा है 2022 में सरकार? 2022 में कौन सरकार बना रहा है?
योगी सरकार, योगी बाबा 2022 में कौन सरकार बना रहे? योगी ही आएंगे। योगी बोलू मित्रा जी, आप ये बताइए 2022 में कौन कुर्सी पर बैठ रहा है? माननीय योगी जी आएंगे कुर्सी। अगर माननीय योगी जी कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो गौ वंश से जनता को बहुत परेशान है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि गायों की वजह से रोड पर काफी एक्सीडेंट हो रहे हैं और किसान रात रात भर जग रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? उसमें क्या है, बहुत सब जगह गौशालाएं बनाई जा रही है और उसके गायों का उसमें चारे आरे की व्यवस्था की जा रही है, सब गाय धीरे धीरे उसकी गौशालाओं में जा रही है। अगर आपने गौशाला की बात की तो गौशालाओं में बता रहे बहुत सारी गायें मर रही हैं, उनको भूखोच और उनको सर्दी से मर रही है, चारा नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं ऐसा नहीं है, चारा आ रहा, पानी आने की सब व्यवस्थाएं उधर उपलब्ध है। कुछ गायें एक्सीडेंट है। आपका शुभ नाम क्या है? देवेश तिवारी नाम है। तिवारी जी आप बताइए 2022 में कुर्सी पर कौन बैठ रहा है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठ रहे हैं, पूरा मुस्लिम बैठ रहे हैं जी, और माननीय योगी जी और मोदी जी जी चारों को पब्लिक को चारों को लेकर आ रहे हैं। जी आप बताएं 2022 में कौन बैठ रहा है? आओ पता चलेगा, कभी इलेक्शन खुलेगा अभी किसी बता दे। नहीं अभी भाई साहब ने जैसा बताया आइडिया तो होगा कुछ, आप चर्चा करते होंगे ना? चर्चा चर्चा अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अगर अखिलेश यादव की आपने बात की तो अखिलेश यादव विकास का क्या लेके आ रहे हैं केरियल पर रख के जनता के लिए? सब कुछ लेके आ रहे हैं, हाईवे बनवाएंगे, विकास के काम करवाएंगे और क्या करवाएंगे, और बताओ और क्या, और गोमती रिवर फ्रंट में भ्रष्टाचार करेंगे इसी तरह से, जैसे हाईवे में, जैसे एक्सप्रेस वे में भ्रष्टाचार हुआ वो करेंगे, अखिलेश जी जो करते रहे, और गाय कटवाएंगे जो अभी एक्सीडेंट में मर रही वो गाय कटवाएंगे, अखिलेश जी चलाएंगे, टोटी भी चलाएंगे दादी। टोटी क्या मतलब, टोटी का मतलब बताइए क्या, जरा पूरा बताइए डिटेल में। टोटी अपने कहाँ से? अपने बंगले की सरकारी बंगला मिला था, उसकी टोटी क्या कहेंगे आप टोटी के मामले पे क्या कहेंगे? जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या ये कहावत दूसरी है, और जब समय आएगा ये टोटी दोनों लोग ये पार्टी की हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया, तो उस पर क्या विचार है गोवंश? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा ही किसान का है, किसान ही छोड़ रहे, किसान ही परेशान है, आपका कहने वाला। अच्छा ये बताइए जरा आपका क्या आइडिया, भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारा बीजेपी का कौन प्रत्याशी? प्रत्याशी का कोई प्रत्याशी कमल कपूर, कमल ले ले, कोई बस कोई प्रत्याशी नहीं, ये कोई प्रत्याशी नहीं, कोई आइडिया नहीं है, जो हमारा हम लोग कमल कपूर नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल हमारा प्रत्याशी कमल कपूर बस, ना कोई शक और ना कोई भूल बस। भारत माता की जय, भारत माता की जय। डेली न्यूज चैनल के लिए नई खोज खबर के साथ कैमरा मैन छोटू के साथ मैं रशीद अली साहब फौजी, जय हिंद।